मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले विद इन। आज हम लोग दोबारा से खेल हमारे WCC3 माय करियर मोड, और हमारा ये फाइनल फेज चल रहा है जहाँ पर आज हम लोग खेलने वाले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल्स, वो भी होने वाला है इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो बहुत ज़्यादा तगड़ी टीम है एंड मेरी परफॉर्मेंस लास्ट कुछ मैचेस में से उतनी बेटर नहीं निकल पा रही है कि मैं अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। पठान कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी अच्छा कभी कम, 50 तो आ जाती है, बट वर्ल्ड कप में एक भी 100 नहीं आया है शायद, अगर मैं गलत नहीं हुई तो। अगर आया है तो बताना, बट जहां तक मुझे याद है नहीं आया। सो लेट्स गो, चलते सेमीफाइनल्स की तरफ। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी लोगों से, जितने लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 83% से भी ज्यादा लोग जो वीडियो रेगुलर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट एपिसोड के लाइक गेम अपना 1000 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स का जो भी फटाफट से कंप्लीट करा देना। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि अपनी फाइनल्स की वीडियो अगर आ जाए, अगर अपन ये मैच जीतते हैं तो, लेकिन है ना। सो गाइस, इंडिया ने टॉस जीत कर बोलिंग ली थी एंड 426 का टारगेट मिला, जो कि बहुत ह्यूज टारगेट है। तो पहली बॉल देखते हैं, उसके बाद स्किप करते हैं, अपन 2 डाउन आएंगे। इजी खेलिएगा रोहित भाई। ओके, यहाँ पे शायद खाता खुल जाएगा, बिल्कुल ओके। भाई पहली बॉल पे डरा दिया था, ठीक है, 1 रन, खाता खुल गया। वंस अगेन भाई क्रूशियल मोमेंट पर अपनी बैटिंग आ चुकी है, मतलब 75 पे 2 विकेट्स हो चुके हैं। पहला रन मैं भाग जाता हूँ तेज़ी से, दूसरे की ट्राई कर सकता था, नहीं करते, छोड़ो रन को। ओके, खाता खोल लिया हमने। रिक्वायर्ड 110 के आसपास करेगा, तब तक तो ईजी है भाई मेरे लिए, मतलब ईजी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक ठाक क्या मैं बना सकता हूँ वहाँ से। अभी बड़े शॉट खेलने की कोई कोशिश नहीं रहेगी मेरी तरफ से। ओके, पहली बाउंड्री इन टू द सेमीफाइनल्स। फिर भी हम लोग 10 के रन रेट से खेल रहे हैं। ओके, गैप में जाते जाते रहेगी। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले खुलने के बाद थोड़ा सा और मैं अटैकिंग वे में खेलूंगा, मतलब सिंगल डबल्स तो ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राउंड मेरे को बड़ा दिख रहा है, मीडियम दिख रहा है, मतलब बड़ा नहीं बोलूँगा, मीडियम दिख रहा है। ईजी पीछे, ये बाउंड्री हो सकती है, बिल्कुल सेकेंड बाउंड्री ऑफ दिस ओवर। 5 बॉल में 9 रन मार दिए मैंने। ओ भाई स्वीप, खतरे की घंटी, थोड़ी देर के लिए 1 रन मिल जाएगा। 2 भाग सकता था अगर मैं पहले भागता तो। शॉर्ट बॉल इन टू द गैप, 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। अकॉर्डिंग टू रन रेट हम लोग अभी भी आ गए हैं, ये काफ़ी सही टाइमिंग लगी है। एंड 1 बाउंस होगा, थोड़ा सा पहले गिरा नहीं तो 6 चली जाती। भाई मैं अटैक करके गलत ना कर दूं भाई, सीधा पता चला मैं भी सीधा हाथ में। लास्ट बॉल है, स्ट्राइक में अपने पास रख रहा हूँ। 222 बॉल में 301 रन। सैम करन इज हियर, स्टेप आउट करके सीधा मारा है, 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। अभी तक एक भी परफेक्ट टाइमिंग वाला शॉट नहीं लगा था इसके पहले। 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर, एकदम हल्के हाथों से फ्लिक करा एंड 6 रन। देखो रन रेट से तो हम लोग अभी भी आगे। एक और परफेक्ट टाइमिंग, स्टेप आउट करके स्टेडियम के बाहर, 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। ओके, थोड़ी सी रिस्की बॉल है, मैं अभी रिस्की शॉट्स नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मेरे बात तो फिर बैट्समैन ही नहीं है। ग्लीसन आए हैं गेंदबाजी के लिए और हेलीकॉप्टर शॉट, 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। ट्रिब्यूट टू द ग्रेट MST भाई, विराट भाई वगैरह, मतलब जल्दी आउट। ओह शिट, क्या गंदा शॉट खेला है, फिर भी चौका मिल जाएगा, किस्मत का। 23 बॉल्स 50 इन दी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स ब्रो, नाइस। 6 चौके हैं, 3 छक्के हैं, 226 का स्ट्राइक रेट, खराब बॉल्स को बख्शा नहीं है। नाइसली टाइम्ड, 1 रन तो इजी है। ओह, फील्डिंग ट्राई किया था भाई, 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। फील्डिंग का मतलब ट्राई किया था भाई, अच्छी फील्डिंग थी वहाँ पर। देखो ना भाई कितने दूर से भाग के आया वो, देखो पॉसिबल ही नहीं था इस बॉल को रोकना, अड़ जाती हो बात अलग थी। फिर
अप्रिशिएट करनी चाहिए भाई अच्छी फील्डिंग वगैरह को। चार रन्स के लिए बाउंड्री से बाहर, एक और बड़ा ओवर आता हुआ। अरे वेलकम टकले लोग, फुल शॉट, लेट्स गो भाई साहब, शॉट ऑफ द डे। इसमें भी अब से शुरू कर देंगे अगर अपन आगे इसको कंटिन्यू करते तो सीजन टू वगैरह। शॉट ऑफ द डे, विकेट विकेट। खैर इसमें अपन बॉलर नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट सीजन में अगर तुम चाहो तो ऑलराउंडर बन सकते हैं, मैं भी वही सोच रहा था, बट नेक्स्ट सीजन का भी कंफर्म नहीं है। शॉट देखो ना भाई, लिटरली जब खेला था ना रियल टाइम में तब बहुत सही लगा था भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं। लो जड्डू भाई भी आउट हो गए, एक रन मिल जाएगा भाई। स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी मुझे यार, ऐसे मोमेंट्स भी तो नहीं चाहिए थे मेरे को। आदिल रशीद इज बैक, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मे बी गैप में जाए, बड़ी बाउंड्री उधर। ओके दो रन मिल जाएंगे, फिर भी हम लोग 10 के रन रेट से खेल रहे हैं। ओ थोड़ा सा लेट खेल जाना, ये भी गैप में है, चौका भी चला जाएगा। यहाँ पे खराब फील्डिंग, दोनों प्लेयर्स बस बॉल को देखते रह गए। ओए चट, ओके एक रन मिल जाएगा। स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए मुझे भूवी भाई को, अगर ये आउट हो गए तो फिर तो पता नहीं कौन बचेगा। एक ओके लेट टाइमिंग, बच गया भाई साहब, कैच नहीं लिया उसने। दो जीवन दान की तरह मिले हैं मुझे ऐसा समझो भाई। अरे भाई कसम से हट, एक और विकेट डाउन, भूवी भाई भी गए लेने जाओ। अब किसी को स्ट्राइक नहीं मिलने वाली, अब मैं यहाँ से अटैकिंग खेलूंगा क्योंकि मेरे को अब भरोसा नहीं रहा। हराने के चक्कर में हो क्या? चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही किया था, मजाक नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में इतना इजी मैच था ना, वहां से हरा दिया था। ओके चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर भाई, यार ये भी अच्छी टाइमिंग नहीं है। चार रन मिल जाएंगे फिर भी, लेट्स गो। ओके 50 बॉल 100, 200 का स्ट्राइक रेट, फर्स्ट 100 इन द वर्ल्ड कप भाई, वो भी इतने क्रूशियल मोमेंट पे आया है ना। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, मेरे को मैच जिता के जाना है, ऐसे ही नहीं चलेगा भाई। 200 प्लस रन चाहिए अभी भी। बढ़िया स्वीप, एक ही रखते, इतनी जल्दी थोड़ी ना आउट होंगे सही में भी। क्या बात है, मोइन अली बॉलिंग करने आए हैं तो व्यू आदिल रशीद का है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या गेम डेवलपमेंट है तुम्हारा। पहुंच गए, क्या कहते हो, थैंक यू भाई। तुम्हें बताऊँ मेरे से बॉल लग नहीं रही है, देख रहे हो, या तो गुड टाइमिंग आ रही है, लेट आ रही है, अर्ली आ रही है, थोड़ी सी ओके आ रही है, आई मीन परफेक्ट नहीं लग रही है मेरे से। ये होता है गेम ना खेलने का नतीजा लगातार। चलिए इस बॉल पे छे, तो लेट हो गया, दो तो फिर भी भागना है कुछ भी करके। ओके स्टार्ट लिया उसने, आराम से पहुँचूँगा। क्या अगर मैंने ये बॉल मिस करी स्टंप पे, नहीं मिस करी, चार रन्स, लेट्स गो भाई साहब, परफेक्ट टाइमिंग, छह रन्स के लिए बाउंड्री से बाहर। मैं सोच रहा था अगर ये मिस हो जाती तो गया था मैं। ओके हाथ में तो नहीं है, खैर ओके चार रन्स भी मिल जाएंगे, नाइस। एक ही डर था कैच ना हो जाए, परफेक्ट टाइमिंग जाएगी, कहाँ से कद्दू से कैच कर लेंगे क्या। अभी तो मैं पावर रेटिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ। ओह स्कूप नाइस, थोड़ा सा पहले गिर गई यार, ये भी छे हो जाता। सफर अभी भी बहुत दूर है, ये भी बढ़िया शॉट है, अलग तरीके का स्कूप, दो बॉल पे अलग तरीके के दो अलग स्कूप लगे हैं, चार रन्स, रिजल्ट सेम है। ओके हर बार लॉफ्ट थोड़ी खेल लूंगा। चार रन्स के लिए बाउंड्री से बाहर, ग्रेट लक। टकले लोग, सेकेंड टाइम इन अ मैच, वेलकम। मिस किया यार तुम लोगों को, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, आई नीड स्ट्राइक। अब एक भागता क्यों नहीं एक बार में, चलो सिंगल। ये ओवर थोड़ा सा बड़ा आया, 12, 6, 18, 19 रन का शॉट। ओए ओए हाँ दूर, चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर। इसी के साथ 71 बॉल्स 150, ग्रेट स्कोर इन द ग्रेट मैच, 214 का स्ट्राइक रेट, 200 से ज़्यादा हो गया अब। हैप्पी टू सी कोहली भाई, नहीं 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 प्लीज 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 रिव्यू मत लेना, मेरे को आउट लग रहा है, प्लीज अंपायर का कोई भरोसा नहीं, साला कुछ भी देता है, मत लेना यार प्लीज भैया, नहीं शिट
गड़बड़ कर ती नहीं खेलना चाहिए था, रना बॉल के करीब पहुंच गया था मैं, मेरी बहुत बड़ी गलती है, प्लीज इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ हो जा, लेट्स गो ओके भाई, जो जान में जान आई है ना मेरे, अभी क्या बोलूं तुम्हें, ओके रिव्यू वेस्ट हो गया इनका, एक और वेस्ट हो जाए भाड़ में जाए, हटो विली भाई, रिव्यू लेके गलती कर दी, बड़ा शॉट खाओ, हाँ कुछ नहीं जाएगा वो बात अलग है, ए दो तो भाग जाऊं मैं, ओके डाइव मारने की जरूरत नहीं है, शॉट स्टेप आउट करके 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लास्ट बॉल है, फील्ड तो ऐसे सेट करके जैसे मैं 6 मार दूं, मजाक नहीं, लॉफ्ट खेलना चाह रहा था मैं, बट स्ट्राइक अपने पास रखूंगा उतना बेटर रहेगा, सामने शमी भाई है, कब हक में कुछ भरोसा नहीं, खड़ा हूं आज भी वहीं, कितनी जल्दी में थे आपकी टोपी उतारने का टाइम नहीं मिला, सिंगल दो भागो, शिट पहुंच जाऊंगा, चलो डरो मत, बड़ा ग्राउंड है यार, आदिल रशीद भाई 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर, ग्रेट स्वीप, लॉफ्टेड स्वीप, 169 पे हूँ मैं, ओए एंड शिट भाई पहुंच गया, उसने मारा ही नहीं, ओके इन टू द गैप, 2 रन के, शिट पहुंच जाऊंगा कहाँ, आप कहाँ रही हो विली भाई, घर में चिंटू है क्या, ओके 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर, मन्या मेरा रंग सांवला, जाते करा सब बिहेवियर तू रूड बावली, नाइस, ए ए ओए हग गया रंग रहू जंजाली पे भाई, 124 बॉल्स, शिट क्या किया मैंने भाई, इतना गंदा कैच कौन पकड़ता है यार, भाई लगभग इम्पॉसिबल कैच था, हाथ में भी नहीं आई है उसके, गेम भाई पूरी इनिंग्स बर्बाद हो गई है, ना जाइए मेरी देसी लुक पे, उतने मार जागा मेरा एटीट्यूड वावली, ओ मन्ना मेरा रंग सांवला, भाई हम लोग जीत गए 1 विकेट से, आर यू किडिंग मी, कैसे जीत गए, हेलो ओ भैया स्कोर कार्ड दिखाओ, ऐसे में विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, रुको किसने मार, शमी भाई थैंक यू, 178 की वो इनिंग्स भूल जाओ, शमी भाई की इनिंग याद रखना, 51 बॉल्स में 82 इनकी वजह से फाइनल्स में प्रवेश किया है हमने, भैया हेलो पैर कहाँ हैं आपके, ओके एक बार देख लो, हैरी ब्रुक 98 बॉल्स 132 रन, डेविड मलान स्कोर कार्ड देख लीजिए फुल, 33 बॉल्स 68 रन, 67 फॉर जॉनी बेस्टो, जडेजा ने 61 रन खाए, ठीक है बॉलिंग में उतना खासा प्रदर्शन नहीं हो पाया, लाइक 6 विकेट निकाल पाए हैं, बट बैटिंग में भाई कमाल कर दिया है, जहां बैट्समैन्स काम नहीं आ रहे थे वहां मैंने 81 बॉल्स में 178 रन क्रेजी खेल लिया, और शमी भाई का तो क्या ही कहना ब्रो, क्या ही कहना, लव यू शमी भाई, लव यू भाई, लिख देना कमेंट में फटाफट से, मेरे बारे में कुछ मत लिखो, नो प्रॉब्लम, शमी भाई ओपी, स्पैम हो जाना चाहिए, तुम एक से ज़्यादा 10 कमेंट कर दो चलेगा, शमी भाई ओपी लिख दो, मैं खुद भी लिखूंगा, पिन भी कर दूंगा, ठीक है शमी भाई ओपी लिख देना, एंड या नेक्स्ट हमारा होने वाला है फाइनल्स, किसके साथ होने वाला है वो देख लेते हैं एक बार, ओके वेस्ट इंडीज के साथ होने वाला है हमारा फाइनल्स, भाई साहब सब फाड़ देंगे, ओके ठीक है, आई होप से तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छी लगी लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई नो तुम लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हो WC3 का वीडियो का, बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा समझा करो कि नहीं रिकॉर्ड कर पाता मैं वो वीडियोस, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करनी पड़ती है, इधर फेस कैम रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत झंझट होती है, तो ट्राई करता हूँ मैं जल्दी लाने की, नेक्स्ट एपिसोड अपना फिनाले रहेगा सीजन का, तो I'll meet you in the next video. Tab tak ke liye thanks for watching. Love you all. Take care and see you soon. Bye.
We'll be right back.